हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन पौधे के बारे में जो कि हमारे आसपास बहुत कॉमन मिल जाता है, लेकिन वो बहुत सारे औषधीय गुणों से भरा हुआ है। आपको तेजाब की दिक्कत रहती है, शरीर में गर्मी ज़्यादा है, गर्मी को दूर करने के लिए यह वरदान का बात काम करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शीशम की। शीशम जिसे आम भाषा में शीशम, टाहली इन नामों से भी जाना जाता है, डलवर्जिया सीसो के नाम से जाना जाने वाला यह पेड़ भारतवर्ष में बहुत कॉमन मिलता है। खेत खलिहानों में, बाग बगीचों में, रोड के किनारे, सड़कों पर यह बहुत कॉमनली मिल जाता है, लेकिन इसमें इतने सारे औषधीय गुण होते हैं कि यह गुणों की खान है। किस रोग में हमें इसका कैसे प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, ये सारी जानकारियाँ लेने के लिए हमारा आज का वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। हम और भी हेल्थ और आयुर्वेद संबंधी वीडियोज़ बनाते हैं। अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हैं और सही जानकारियां चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को नीचे दिए सब्सक्राइब बटन और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके हमारे आने वाले वीडियोस के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें। शीशम का जो पेड़ होता है, इसकी छाल के अंदर भी बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं, इसके पत्ते भी औषधीय गुण लिए होते हैं। शीशम की दातुन का भी दांतों के लिए पुराने समय से प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे औषधीय गुणों से युक्त यह पौधा होता है। तो शीशम का हमने कैसे प्रयोग करना है, सबसे पहले अगर हम इसके पत्तों के रस की बात करें तो थोड़े कसैले स्वभाव के होते हैं और इनका जो तासीर होती है पत्तों की और शीशम के पेड़ की ठंडी होती है। तो गर्मियों में तो ये स्पेशली वरदान का काम करता है। जिन महिलाओं को लिकोरिया की दिक्कत होती है, सफ़ेद पानी की दिक्कत होती है, मेंसेस ज़्यादा आते हैं, उनके लिए तो यह बहुत अच्छा है। लिकोरिया से परेशान महिलाएं जो हैं, शीशम के 5-7 पत्ते खाली पेट चबा लें तो वह काफ़ी फ़ायदा देता है, या फिर शीशम के पत्तों के रस को मिश्री मिलाकर अगर लिया जाता है तो भी। जिन महिलाओं को मेंसेस ज़्यादा है, मासिक धर्म में पीड़ा होती है, गर्भाशय में सोजिश जिसे कहते हैं वो रहती है, तो उसको भी यह दूर करता है। यूट्रस संबंधी दिक्कतों को, ज़्यादा मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए यह काफ़ी फ़ायदेमंद है। सिर में ठंडा होता है। जिन रोगियों को पेट में जलन रहती है, दाल रहता है, छाती में हर समय जलन रहती है, उनके लिए भी शीशम के पत्तों का प्रयोग करना बहुत फ़ायदेमंद है। शीशम के पत्ते सुबह खाली पेट लिए जाते हैं तो जिनको एसिडिटी रहती है, तेजाब बनने की दिक्कत रहती है, पेट में जलन रहती है, वह दूर होती है, क्योंकि यह स्वभाव से ठंडा है, शरीर की गर्मी को दूर करता है। और धागा मिश्री मिलाकर अगर लिया जाता है तो यह और भी ज़्यादा फायदेमंद है। लोग लंबे समय से एसिडिटी के खाली पेट के कैप्सूल्स लेते हैं, गोलियां लेते हैं, उनके साइड इफेक्ट्स बहुत रहते हैं। ऐसे में शीशम के पत्तों का रस है वो आप ले सकते हैं, या फिर आप इसका जो शरबत बनाकर भी गर्मियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 किलो आप शीशम के पत्ते हैं उनको तोड़ के उनका रस निकाल लें, उनको पानी में थोड़ा पका लें, वो रस निकल जाता है। उसके बाद फिर आप इसको चीनी के जो देसी खांड है उसके आप घोल के अंदर डाल के शरबत तैयार कर सकते हैं, और फिर इसको गर्मियों में अगर लिया जाता है तो यह बहुत अच्छा टॉनिक है, गर्मी को दूर करता है, लू लगने की संभावना को दूर करता है। जिनको बार बार दस्त लगते हैं, IBS की दिक्कत है, गृहिणी की दिक्कत है, ऐसे रोगियों के लिए भी शीशम का प्रयोग करना बहुत फ़ायदेमंद है। इसके जो पत्ते होते हैं उनमें स्तंभन प्रॉपर्टीज होती हैं, बांधने का काम करते हैं, मल को बांधते हैं। तो शीशम के पत्ते हैं और छोटी जो कच्ची फलियां होती हैं उनको अगर आप थोड़ा पीस लें, पीस के रस निकाल लें और फिर उसको आप बेलगिरी के रस के साथ मिलाकर लेते हैं, पेट हाजमा ठीक रहता है। बार बार जिनको दस्त लगते हैं, मरोड़ लगते हैं, गृहिणी की दिक्कत होती है, वह दूर होती है। तो शीशम के पत्तों का रस और बेलगिरी का रस मिलाकर लिया जाता है तो उससे देखा जाता है काफ़ी फ़ायदा है। सूखे हुए शीशम के पत्तों का पाउडर बनाकर
मिलाकर भी अगर दही में मिलाकर लिया जाता है तो दस्तों की समस्या दूर होती है। जिन लोगों को पेशाब में जलन रहती है, पेशाब कम आता है, रुक रुक कर पेशाब आता है, बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, पेशाब में इन्फेक्शन हो जाता है, उसको दूर करने में भी शीशम के पत्ते बहुत उपयोगी होते हैं। शीशम के पत्तों को अगर पानी में पका के काढ़ा बना के लिए अगर ठंडा करने के बाद घूंट घूंट कर पिया जाता है, उससे देखा जाता है पेशाब की जलन दा दूर होती है और साथ में जिनको बार बार इन्फेक्शन होता है पेशाब में वह भी दूर होता है। बहुत सारे रोगियों में देखा जाता है गर्मियों में मुंह में छाले हो जाते हैं। वैसे तो कारण के हिसाब से छालों को अगर दूर किया जाए तो फायदेमंद है। अगर आपको बिना कारण बार बार पेट की गर्मी से छाले हो रहे हैं, ऐसे में शीशम के पत्ते थोड़े से पानी में आप पका लें, पका के फिर उस पानी को छान के उसको मुंह में थोड़ी देर तक भर के रखें। घड़ी देखकर 5 मिनट तक मुंह में भरें, उसके बाद उस पानी को बाहर निकाल दें। इस प्रकार देखा जाता है ये पेट की गर्मी और मुंह की जो गर्मी है उसको खींच लेता है, जिस कारण बार बार छाले होने की समस्या दूर होती है। दांतों के स्वास्थ्य के लिए भी जो शीशम है बहुत उपयोगी है। पुराने समय से ही दातुन का इस्तेमाल, शीशम की दातुन का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये शीशम जो है, जिनको पुराने दांतों में दर्द है, पायरिया की दिक्कत है, अगर इसकी दातुन हमेशा लगातार प्रयोग की जाती है तो उससे देखा जाता है दांतों की भी बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। जिन लोगों को पुराने चमड़ी के रोग रहते हैं, बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, ऐसे में नीम के पत्ते और शीशम के पत्ते दोनों को मिला के उबाल के पानी में उबाल के आप उसको छान लें और वहाँ पर जहाँ पर एलर्जी है उस हिस्से को अगर धोया जाता है नीम के पत्ते और शीशम के पत्ते से पके हुए पानी से, देखा जाता है इन्फेक्शन कंट्रोल में आता है, फंगल इन्फेक्शन हो या चमड़ी में दाद, खारिश, खुजली की समस्या हो वो दूर होती है। उसके बाद आप नारियल का तेल वहां पर अप्लाई करें, उससे देखा जाता है बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स हैं, क्योंकि यह बढ़े हुए पित्त को, गर्मी को वहां के खत्म करता है। इसलिए नीम और शीशम के पत्तों से मिलकर बना हुआ पानी है उससे नहाया जाता है, उससे देखा जाता है चमड़ी के सभी प्रकार के विकार दूर होते हैं। शीशम के पत्तों में विष हर प्रॉपर्टीज भी मिलती हैं, यह जहर को उतार देता है। आप कहीं ऐसी जगह हैं जहां पर आपको कोई जहरीला जानवर काट गया है तो इसके पत्तों को आप रस थोड़ा सा घिस कर भी लगा लेते हैं तो जहर जल्दी उतर जाता है। आपको मधुमक्खी ने या भिरड़ ने, वास्प ने काट लिया है तो ऐसे में इसके पत्तों को पीस के थोड़ा सा वहाँ पर आप घिसा लें। अगर आपके पास कोई भी और मेडिसिन उपलब्ध नहीं है तो एक बहुत अच्छा विषहर का काम करता है, जिस कारण जहर जल्दी उतर जाता है। शीशम के पत्तों में एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है। यह गांठों को भी जल्दी पिघला देता है। कई बार देखा जाता है स्तन में गांठ हो जाती है जो कि नॉर्मल होती है, किसी प्रकार की कोई कैंसरस गांठ नहीं है, फिर भी अगर वो आपके शरीर में है तो ऐसे में शीशम के पत्तों को थोड़ा सा तवे पर सेक के अगर वहाँ पर बांधा जाता है स्तन पर तो जो नॉन कैंसरस गांठें हैं वो इससे जल्दी पिघल जाती है, दर्द भी इससे कम हो जाता है। जिनको नकसीर आने की समस्या होती है, स्पेशली गर्मियों में नकसीर ज़्यादा आ जाती है, ऐसे में शीशम के पत्ते का रस निकालने से, थोड़ा सा पानी के साथ पीस के इसके पत्तों का रस है अगर दो दो बूंद नाक में डेली डाला जाता है, क्योंकि यह बहुत ठंडा होता है तो इस कारण नकसीर आने की दिक्कत भी, नाक से खून आने की दिक्कत भी दूर होती है। जिनको शियाटिका की दिक्कत होती है, दर्द है कमर से शुरू होकर नीचे पैर तक जाता है, पूरे पैर में दर्द रहता है, नस जो होती है पैर की खिंच जाती है, ऐसे में शीशम की छाल का मोटा पाउडर बना लें, उसे दूध में पकाकर अगर लिया जाता है छान के, उससे देखा जाता है जो शियाटिका की का दर्द होता है, जो गृद्र सी भी जिसे आम भाषा में हम बोलते हैं, तो यह दर्द को भी दूर करता है, तो बहुत ही वंडरफुल यह औषधि है। जख्मों और घावों को भरने के लिए भी यह बहुत फ़ायदेमंद है। शीशम की छाल के मोटे मोटे टुकड़े आप कर लें, उसको तिल के तेल में पका के शीशम का तेल अगर हम तैयार कर लेते हैं, उससे देखा जाता है जख्म घाव जल्दी भरते हैं और शरीर भी स्वस्थ रहता है। शीशम के पत्तों में रिसर्चेज में पाया गया है एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए आजकल यह बीमारी बहुत बढ़ रही है। खाली पेट अगर आप 5-7 पत्ते इसके खा भी लेते हैं तो का कोई नुकसान नहीं है, फायदों का भंडार है यह पौधा। इसका इस्तेमाल करते हैं आप कैंसर जैसे भयानक रोग
की संभावना से बचे रह सकते हैं। तो अब हमने इसके इतने सारे फायदे जान लिए, ये भी जान लेते हैं किन लोगों को यह ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिनको ज़्यादा कब्ज की दिक्कत रहती है उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिन महिलाओं को मेंसेस कम आते हैं उनको इसका इस्तेमाल कम करना चाहिए। बाकी ये पूरी तरह से सेफ़ है। आपकी कफज प्रकृति है, ज़्यादा खांसी नज़ला जुकाम रहता है ठंडे होने के कारण, उन लोगों को इसका थोड़ा सा सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। अगर प्रयोग भी करें तो थोड़ी सी काली मिर्च का आप इसमें साथ में इस्तेमाल कर रहे ताकि तासीर बनी रहे। तो ये बहुत सेफ हैं, आप इसको स्पेशली गर्मी में तो बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हृदय की मांसपेशियों को बल देते हैं, ठंडे होते हैं, हाजमे को, तेजाब को, पेशाब की जलन को, बुखार की गर्मी को दूर करने में काफ़ी कारगर होते हैं। तो आज की ये जानकारियाँ आपको पसंद आई हों तो इस वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके मन में कोई शंका हो या हमारा आज के ये जो तथ्य हैं आपको कैसे लगे, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी प्रकार की और भी जानकारियाँ लेने के लिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे आने वाले वीडियोज़ के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए हेल्थ टॉपिक के साथ। धन्यवाद।